बहुत ही दुखद खबर, बहुत ही दुखद खबर हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, इस उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए जो कि यहाँ पे होने जा रहा है, हो रहा है। बहुत दुख हुआ सुन के, बहुत ही। हमें कल एक खबर मिली और मैंने जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो उसमें मैंने देखा कि सुना कि हमारे उत्तराखंड के जो चर्चित कलाकार हैं, जो सुपरस्टार हैं आज की डेट में, और ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने इस पर रील्स बनाई है और बना भी रहे हैं, और वो है गुलाबी शरारा। क्योंकि गुलाबी शरारा जो है अभी जो है मेन अकाउंट से डिलीट किया गया है, उसकी वीडियो जो है डिलीट किया गया है। किस कारण हुआ इसका कोई पता नहीं चला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी बढ़ता है तो आदमी को उसका सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो इंदिरा जी की जो आवाज़ है बहुत बढ़िया, लोगों ने पसंद किया गाना को। होता ही है गाना, दो तो भाषा होती है अपने उत्तराखंड में, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुछ मिलता जुलता रहा होगा, म्यूजिक मेरा होगा या तो कुछ शब्द मिले होंगे, तो उसमें जो है उनका जो है पता नहीं किसी ने कॉपीराइट मारा या कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, क्या किया जो उनका गाना जो है डिलीट किया गया है। तो अभी गुलाबी शरारा आप लोग कमेंट जरूर करें कि जो वो वीडियो जो है डिलीट हुआ है वापस आ जाए। तो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ये सब कोई पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हमारे उत्तराखंड का जो है उभरता कलाकार, और 3-4 सालों का भी इस लाइन में हुए हैं, अच्छे गाने थे उनके, अच्छे गाने आ रहे हैं। तो यहाँ देश में नहीं विदेशों में तक उनके गाने जो है आज लोग खूब रील्स बना रहे हैं और खूब वीडियो जो वायरल हुआ था। पर सुना हमने, बहुत दुख हुआ कि जो उनका जो गुलाबी शरारा सॉन्ग है मेन अकाउंट से डिलीट किया गया। तो आप लोग